और ठीक सामने से सूर्यदेव के दर्शन हो गए। और यहाँ अंदर दीदी निकाल रही है आटी और इस तरह से निकालते हैं आटी। और मैं प्रमोद की दुकान पे आई हूँ और प्रमोद बना रहा है समोसा और मछली का हो गया है पीना खाने का टाइम। अब मछली खाने लगे लोग तो तैयार हो चुके हैं। और श्यासुगढ़ वाली टीम जो है ना वो कोटमा से की हूँ अपने किचन में और मैंने रख दिया है चावल। वो फाइनली मेरा खाना भी बनकर तैयार हो चुका है, थोड़ा चावल है। आज तो ससुर जी के साथ जीवी जा रहे हैं, ससुर जी अकेले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से। और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। आप लोग कैसे हो, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और अभी यहाँ ना बहुत ठंडा हो रहा है, धूप नहीं आई है और सब लग गए हैं अपने पाँवों पर। दीदी भी बंदर लंगूरों को भगाने लग गई है और साथ में ये धूप यहाँ सामने पे आ चुकी है ऊपर ऊपर पे। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगी 5-10 मिनट में, तो चलिए उसके बाद हम धूप सेकेंगे और देखते हैं कि दिन में क्या क्या काम होता है हम लोगों से। और साथ में मौसम की बात करें तो आज एक भी बादल नहीं है, बड़ा सुहावना मौसम है और धूप तो अच्छे से आ रखी है यहाँ पर। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये ऊपर पे धूप आ चुकी है और धूप आने के बाद तो सब धूप पे आ जाते हैं। और ठीक सामने से सूर्यदेव के दर्शन हो गए हैं और मैं और प्रियांशु तो धूप पे आ चुके हैं यहाँ पे। और बिल्लू तो यहाँ पे मस्त मार के धूप सेकने के लिए बैठ गई है। तो पेड़ को अभी नहीं होता ओ सौ टपन हो रहा है। यहाँ अंदर दीदी निकाल रही है आटी और इस तरह से निकालते हैं आटी। ये आटी है ना जो पत्तों का गोबर होता है ना, तो बहुत दिनों बाद, कितने दिन बाद निकालता ना, 7-8 दिन बाद नहीं, 1-1.5 हफ्ते बाद ये गोबर निकालते हैं और ऐसे फावड़े से निकालना पड़ता है दीदी। अब आ रहे खंड दो खंड चौमिन। और मैं प्रमोद की दुकान पे आई हूँ और प्रमोद बना रहा है समोसे और चुपचाप ठुस पर बना रहा था ये और प्रमोद की दुकान पे तो इतनी सारी घर की राई आ रखी और पालक भी, आज यहीं से ले जाऊंगी पालक या राई। और मैं जा रही हूँ दीदी के घर पे और दीदी ने आटे निकालते निकालते गोबर भी भर दिया कट्टे में। कह गए तो आप तो गौसन खबर। और मछली का हो गया है पीना खाने का टाइम, अब मछली खाने लग गई है कढ़ाई में, दूध भाती खा रही है दूध भाती। और ये तो देखो कैसे कर रही, बोला मुझे नहीं मिला, तेरे को भी मिल रहा है भाई अभी। और यहाँ पे देवर जी की क्रिकेट टीम भी तैयार हो चुकी है और क्रिकेट टीम में है श्यासुगढ़ वाले अशोक का बैट तैयार हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो आसाम को जीत के आना भाई, ऑल द बेस्ट। ये लोग तो तैयार हो चुके हैं। और श्यासुगढ़ वाली टीम जो है ना वो कोटमा से खेल रही है। कोटमा वाले जो ये देवर जी हैं नीचे वाले जिनका ये घर है, तो उन्होंने आज श्यासुगढ़ की टीम अपने उससे लगा रखी है, तो ये जा रहे हैं। और ये लोग बैठे हुए हैं धूप पे। ए हिमु दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ अपने किचन में और मैंने रख दिया है चावल और चावल भी बन गया है और दाल है। मैंने ना चिपली बनाई थी कंडाली की, तो वही है, उसी को खाऊंगी मैं। और चावल तो बन चुका है और थोड़ी देर में मैं खाना खाऊंगी। और साथ में ना स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है मेरा, थोड़ा तबीयत खराब हो रही है, पता नहीं क्या किया जाए, कैसे करके जुकाम मेरा ठीक होगा।
फाइनली मेरा खाना भी बनकर तैयार हो चुका है। थोड़ा चावल है और एक रोटी भी है और ये धिपली है। तो चलिए जी, धूप पे बैठ के गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। तो चलिए फटाफट से खा लेती हूँ। तो ससुर जी के साथ जी भी जा रहे हैं। ससुर जी अकेले नहीं है, डरना मत, बैग नहीं है ससुर जी का, ए जी के पास है, वो जी के पीठ पे। ए जी क्या सोते बैग बोलो मल्टा चाचा। हाँ आई ले ससुर जी भी आ गए हैं जंगल से। ससुर जी तुम्हारा बैग हो गया आज? आ ससुर जी का बैग पता नहीं कहाँ चला गया। ससुर जी इनको ना ठीक से घास नहीं खिलाते शायद जंगल में। ये देखो कैसे घास खा रहे हैं भारी से।